Imran ikre ka mere pakistaniyon mere pakistaniyon sabse pehle main aap logon ka shukriya ada karna chahta hu ki aaj aapne yahan pe aake ye sabit kar diya hai ke tabdili aa nahi rahi tabdili aa gayi hai खामोशी खामोशी। और सबसे पहले आज मैं बात करूंगा उन लोगों की जो कि पीटीआई पे तनकीद करते हैं, खास तौर पे जो पाकिस्तान के बाबे हैं, सो कॉल्ड बाबे पीटीआई पे बड़ी तनकीद करते हैं। तनकीद किस तरह करते हैं कि जी बड़ी बेहयाई है, बड़ी बेहयाई है जी, जी ख्वातीन नाचती हैं। और ये वही बाबे हैं जिस दिन पीटीआई का जलसा हो रहा हो, सारा दिन टीवी से नहीं उठते और ये कह रहे हैं कि जी बड़ी बेहयाई है। और छोड़े इस बात को, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। मैं आज सबसे पहले एक ड्रामेबाज और पाकिस्तान के, उसे कह लें कि एक बहुत ही बड़ा चोर, मोहतरम जनाब इसहाक डार साहब की बात कर रहा हूं। डार साहब, आप डार साहब का मुंह देखें कभी आप गौर से, कि उनका मुंह ऐसे है जैसे मुझे खुद हंसी आ रही है, उनका मुंह जो है वो कमेटियां खाने वाली माई जैसा है। और उसके बाद बात कर, मियाँ साहब की बात कर लें, बड़ा मासूम चेहरा बना लेते हैं जी, मुझे क्यों निकाला यार, इनको कैसे बताएं कि ने क्यों निकाला। मियाँ साहब इतना मासूम चेहरा बनाते हैं, इतना मासूम चेहरा बनाते हैं कि कभी कभी मेरा दिल करता है, इमरान खान का दिल करता है कि मियाँ साहब के पास जाके उन्हें ऐसे ऐसे करें, इतना मासूम चेहरा बना लेते हैं। नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, झटके खड़ा है अब इमरान। और बड़े ऑन अ सीरियस नोट, आज सुबह मुझे पता लगा कि मेरा जो कुत्ता टोमी, उसे नैब वाले पकड़ के ले गए हैं। तो ये बात जो है सुन के मेरे पांव तले से आसमान निकल गया। क्या? अच्छा अच्छा कह रहे, वो जमीन होता है, चले इतना तो चल जाता है सियासत में। तो बात हो रही थी कुत्ते बेचारे की, और उस बेचारे का क्या कसूर है, क्या कसूर है उसका। और यही वजह है जिस वजह से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे और उनके अंदर जो इदारे हैं उन पे तनकीद करता हूं कि शरीफ फैमिली के लिए नैब ने कोई और कानून रखा हुआ है, लेकिन उस बेचारे कुत्ते टोमी के लिए कुछ और कानून है, उसे पकड़ के ले गए हैं। वो इतना मासूम सा कुत्ता है, इतना मासूम कुत्ता है कि कभी उसने गली के अंदर नजर उठा के नहीं किसी को देखा, इतना मासूम कुत्ता है। तो नैब वाले मामे लगते उसे पकड़ के ले गए, इंशाल्लाह वो बाइज्जत बरी होगा। जरदारी का बैठे आराम कर, सुने सुने सुने, आज मैं बिल्कुल डिफरेंट मूड में हूँ। जरदारी का करप्शन के बारे में बात करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चाइनीज का पश्तो बोलना। कर लेते हैं डीजल की भी बात, आराम करें यार, आराम से। अच्छा डीजल को छोड़ते हैं, वैन डीजल की बात कर लें अब, ठीक है छोड़ें। तो ये थी बातें, तनकीद बड़ी हो गई है। अब मैं, आप पाकिस्तानी हूँ, आपको मैं एक अपना मंशूर दे रहा हूँ, इंशाल्लाह हम जब इलेक्शन जीत के तो हम जो है वो इंशाल्लाह बरसर इक्तदार आएंगे, तो इंशाल्लाह हम जो है जो जो काम करेंगे, जो जो हमारे प्लान्स हैं वो आपसे डिस्कस करने लगा मैं।
कि जो सबसे पहले हमारा प्लान है वो ये है कि पाकिस्तान में चूंकि ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं और दरियाओं में पानी कम हो रहा है, ये बड़ी अलमनाक एक हालत है। हम जो है इंशाल्लाह जिस तरह केपीके के अंदर हमने 1 अरब जो है वो दरख्त लगाए, बातें नहीं की बल्कि काम करके दिखाया, इसी तरह हम जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर 1 अरब नलके लगाएंगे। और इंशाल्लाह मेरे ये नौजवान ये मायूस मत हो, आपको नौकरियां मिलेंगी और इंशाल्लाह हम अपने नलकों से अपने दरियाओं को भरेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब इमरान खान आ गया तो उसके बाद हमारा जो प्लान 2 है वो ये है। उसमें एक बात मैं करना चाहता हूँ ऐड, हम पे एक और बड़े तनकीद करते हैं जी, डांस करते हैं जी, डांस करते हैं। ओ खुदा के बंदे, पाकिस्तान में जमहूरियत है और जमहूरियत हमें आज़ादी राय का तरस देती है, तो डांस हमारा जमहूरी हक है, हम डांस कर सकते हैं, हमारा राइट है डांस करना, हम करेंगे डांस, मैंने करना है डांस, मैं करूंगा डांस, मुझे रोकना है तो रोक लें, तो डांस करेंगे इंशाल्लाह सारे। तो उसके बाद है कि हम जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है इन पे मेरी जो है वो ख़ास तौर पे नज़र है, नहीं उस तरह से नहीं, मैं दूसरे लिहाज से कह रहा हूँ कि उनके मसाइल पे मेरी ख़ास तौर पे नज़र है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब हम इक्तदार में आएंगे तो उनके लिए हमारे पास 2 लाख ढोलकियों का पैकेज है, उनको जो है वो इज्जतदार रोजगार मुहैया करेंगे। बड़ी काबिले जिक्र बात है, अहम बात है कि सिर्फ ढोलकियां प्रोवाइड नहीं करेंगे बल्कि जरूरत पड़ी तो उन्हें बजाना भी सिखाएंगे। और इंशाल्लाह पाकिस्तान का 79% कर्जा इन्हीं ढोलकियों की मानत उतर जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आखिर पे सबसे अहम बात ये है कि ये जो चैनल है मिस्टर पैरोडीज, इसको आप लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह 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 जो कुछ भी है इसको आप सब कुछ करें। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। और हाँ, ये ख़वातीन को जाने दें पहले। थैंक यू, शुक्रिया।